जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गांदरबल में अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दिया। गांदरबल में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों ने रविवार रात टनल वर्कर पर हमला कर दिया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 6 श्रमिकों और एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल यह हमला मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरंग का निर्माण कर रही एक प्राइवेट कंपनी के शिविर पर हुआ। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कायरतापूर्ण कृत्य कहा, तो अमित शाह ने इसे कायरतापूर्ण घृणित कृत्य कहा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे भयानक कहा, तो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इस कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के गगनगीर में निर्दोष मजदूरों पर हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना में लगे हुए थे। मैं शहीद मजदूरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कठिन समय में उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने के लिए है। जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता दी है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने गगनगीर आतंकी हमले में घायल हुए निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए SKIMS का भी दौरा किया। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि 16 अक्टूबर को CM उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये दूसरा हमला है। फिलहाल सेना और सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिससे आतंकियों के नापाक मंसूबों को नस्तनाबूद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।